हाँ भाई, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये क्या है एंजाइम? ये जो लड़कियां नॉट ऑल सब दिल पे ना ले, कुछ का कैसे ले सकते हैं? तो मान लेते हैं कि जो मोस्टली लड़कियां होती है दे आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। मोस्टली गर्ल्स आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह होती हैं। अब सुन लो काम क्या इसका, पता है एंजाइम को ढूंढा कैसे गया था? सबसे पहले काम करा गया, आपको पता है एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करें उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, हाँ कि ना। तो भाई इसमें फिर क्या होगा? अब सुनो, मान लो ये है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया पर अटैक कर गया कौन? वायरस। कौन अटैक कर गया? वायरस। और वायरस के पास अपना खुद का डीएनए भी होगा। ठीक है, तो वायरस ने अपना डीएनए छोड़ा किसी रोज, क्योंकि कोई मेरे से बोला था सक्रोज। अभी रुक जा तू, डीएनए छोड़ा इसने। अब मजे की बात ये, दुनिया में लोग ये मानते थे कि डीएनए को कोई तोड़ ही नहीं सकता, मतलब उनका हिसाब से रणवीर कपूर और डीएनए का कोई काट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों अपने लाइन में स्टड है। यस और नो? पता है ना रणवीर कपूर का क्यों? अरे राजकुमार ने तो 11 साल में एक पटाई थी, वो लंडा 1 साल में 11 पटाता है। दो अलग अलग नाम आर से ही है इसके। तो ये डीएनए था, लेकिन ये चीज शॉकिंग थी, लोग पहले मानते रहे कि डीएनए को हम काट ही नहीं सकते क्योंकि डीएनए छोटा इतना होता है, हाँ कि ना। लेकिन जब किसी हमने वायरस को देखा कि उसने डीएनए भेजा सेल के अंदर, और सेल के अंदर थोड़ी देर बाद इसके डीएनए के टोटे टोटे हो गए। अब भाई साइंटिस्ट बैठ के सर खोजा, यार ये क्या हो गया यार, हम तो सोचे थे डीएनए को काट सकता ही नहीं, यहाँ क्या हुआ? वायरस ने डीएनए छोड़ा, बैक्टीरिया में डीएनए कट गया। अबे काटा किसने डीएनए? तब देखा गया कि वो एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये एंजाइम डीएनए को काटने की एबिलिटी रखता है, माने ये एंजाइम वायरस की ग्रोथ को रोकता है, हाँ के ना। इट रेस्ट्रिक्ट द वायरल ग्रोथ, हाँ के ना। क्योंकि ये वायरल ग्रोथ को रोकता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, माने ये एंजाइम डीएनए को काटता है। इसका काम है काटने का, हाँ है ना। बड़ी सहमी सी आवाज़ तेरी, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर के भाई ये मॉलिक्यूल लेवल तक की चीज को काट रहा है, हाँ कि ना। अब जिस चीज को हम देख सकते नहीं ठीक से, भाई उसको काट रहा है, इससे वाला टैलेंट क्या होगा? लड़के भी फेयरलेस क्या कहते, जो नहीं दिख रहा उसको भी काट रहा है तेरी ऐसी तैसी। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? एक मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लेवल तक की चीज को कट कर दे रहा है। कौन? डीएनए। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसमें से किस चीज को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से बुलाते हैं? आंसर इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पूछे क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल लेवल तक की चीज को कट कर रहा है, हाँ के ना। अब भैया यहां पे ना सवाल तो ये भी आता है कि चलो ठीक है ये एंजाइम डीएनए को काट रहा है, तो वायरस के बैक्टीरिया पे खुद का डीएनए नहीं है क्या? उसके पास भी तो है, तो ये क्या बात हुई कि इस एंजाइम ने बैक्टीरिया का डीएनए नहीं काटा लेकिन वायरस का डीएनए काट दिया? भाई ऐसे क्या दुश्मनी थी उससे? हमने कहा दुश्मनी नहीं, तो बात भी इसकी ठीक है यार। इस एंजाइम का काम है डीएनए को काटना, डीएनए तो वायरस के बैक्टीरिया के पास भी है ना, उसका डीएनए क्यों नहीं कट करा? तो मुद्दा यहां पर आता है कि जी ऐसा है, जो इसके पास डीएनए है ना बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया ने एक जगह से ना क्लास ली हुई थी बायो की, जगह कौन सी है? विनय बायोलॉजी। इसे पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ उन्हीं डीएनए को रिकॉग्नाइज कर सकता है जिनके एंड में मिथाइल ग्रुप नहीं लगे होते। अगर किसी डीएनए के शुरुआत में और एंड में मिथाइल ग्रुप आ जाए
तो बस ये समझ लो वो रेसिस्टेंस एंजाइम अंधा हो जाता है, उसे दिखता ही नहीं कहाँ डीएनए। तो बैक्टीरिया ने उस एंजाइम को रिलीज करने से पहले अपने डीएनए के दोनों एंड पे क्या लगा लिए, मिथाइल, हाँ कि ना, लगा लिए। और वायरस के डीएनए पे मिथाइल, वो चौड़ में आ गया। रुक जा तेरे को बताएंगे, रुक जा बेटा अभी तो दो मिनट रुको, अभी तेरे अभी तेरा ड्रामा करते हैं। तो यहाँ पे जब मिथाइल ग्रुप लगाया, ठीक है, सो मिथाइल ग्रुप लगाने को बोलते हैं मिथाइलेशन, यस और नो? सो मिथाइलेशन करा गया पहले उसने अपने डीएनए को, और ये वायरस के डीएनए में नहीं हुआ। जब मिथाइल ग्रुप लग गया उसके बाद फिर क्या करा, रेसिशन एंजाइम रिलीज करा। ये एंजाइम निकला कहाँ है भाई, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो वो तो दिखाई नहीं मिथाइल वाला, क्या दिखा, वायरस का, उसके डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ के ना। तो यहाँ पे दो स्टेप थे। तो कभी क्वेश्चन आए कि उसके डीएनए को क्यों कुछ नहीं हुआ था, क्या आंसर देंगे, क्योंकि उसके डीएनए पे मिथाइल ग्रुप लग गया था इसीलिए। तो रेसिशन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे ढूंढे गए, इतना पता लगा। देखो हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक से, ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून अकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है, आप 11वीं हैं 12वीं हैं डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्तों हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN, ठीक। तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं, ओके बाय।